तो पहले तो भाई खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ जी आप सबका आपके अपने चैनल पर खोज हरियाणा पर। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि लोगों की भीड़ जुटी हुई, एक बार दो डंग आगन धर के कैमरामैन तक होगा भाई दिखा दे सुधरी डाल, लोगों की भीड़ जुटी हुई कारण क्या है यो इस तरफ या हरियाणा सरकार के जो गाड़ी है भी दिखा दे, इस तरफ दिखा दे हरियाणा सरकार के जो गाड़ी है और सारे भीड़ सुधरे डाल घुमाए दिखा दे। अब कारण के है बताऊं मैं, आज शशि रंजन परमार जी पूरा विधायक और जो है कृषि मंत्री हरियाणा के पीछे आ जा भाई उसे ढंग पर आ जा, और जो है हरियाणा के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी दोनों जो है गाँव मिराण में पहुंचने वाले हैं, जो कि जिला भिवानी और तहसील तोसाम का एक गाँव है। तो वहाँ पर कुछ ही देर में जो जेपी दलाल जी आएंगे, जनसंवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और एक और चीज सबसे चहेते ग्राउंड जीरो पर रहने वाले नेता जेपी दलाल जो हरेक गांव में रोजाना किसी ना किसी गांव में घूमते हैं, लोगों तक मिलते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, वो नेता जो है आज जिला भिवानी का तहसील तोसाम के गाँव मिराण के अंदर पहुँचने वाले हैं। जो है मिराण के लोग अपनी समस्याएं परेशानियां दुख दुविधा लेकर लिखित में लेकर जो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख रहे थे अभी कैमरा मैंने दिखाया जैसे कि भीड़ इकट्ठी हो रखी है भाई, लगातार लोग आ रहे हैं, अलग अलग महकमों से भी जो है अधिकारी आए हुए हैं, प्रशासन शासन प्रशासन और अधिकारी अलग अलग महकमों के आए हुए हैं, जो कि हाथों हाथ जेपी दलाल जी कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या हाथों हाथ समस्याएं दूर हो सके, ताकि जो है आम जनता किसान वर्ग परेशान ना हो। तो जेपी दलाल जी क्या कह के जाते हैं, क्या वादे करते हैं, और जो हमारे सवाल है जनता के जो सवाल है वो भी उन तक पहुंचाएंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। आपसे रूबरू होने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब समाज का बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज पूरे जिला प्रशासन की टीम है, एसडीएम माननीय मनीष भोगाट जी, एसडीएम सिंचाई विभाग के एसडी है इंजीनियर कर्नाटक में, कर्नाटक में बीजेपी के हारते जी कांग्रेस एम उत्साह की लहर है, तो 2024 में केला ऐसा है, ये देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे प्रांत हैं, अगर कांग्रेस पार्टी एक प्रांत में जीत के खुश होती है तो अच्छी बात है, उसका उससे संतुष्ट है तो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज भी 20 से ज़्यादा प्रांतों में जीती हुई है, दो बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी है, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम फिर भी कोई ये नहीं कहते, घमंड नहीं करते, हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के लिए नीतियाँ बनाते हैं, जनहित ऐसी काम करते हैं। कांग्रेस जो है झूठ बोल करके, झूठे वायदे करके एक आध प्रांत में सत्ता में आ जाती है, फिर वो खुशी बनाते हैं, तो मनाएं वो खुशी। कुरुक्षेत्र में जी किसानों को ऊपर लाठी चार्ज कराया, इस विषय पर मैंने बड़ा खुल के बोला है, फिर यही एक लाइन बोलनी आती है, अब आप यही एक लाइन आती है कि कुछ लोगों को आंदोलन करने का मतलब शौक चढ़ा हुआ है, ये नहीं सोचते कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करते हैं जिसमें हजारों लाखों छोटे बच्चे बीमार बूढ़े वो परेशान होते हैं, तो प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार काम करेगा या नहीं करेगा, हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगा प्रशासन।